पश्चिम रेलवे में लोकल ट्रेनों की गति में इजाफा होने वाला है, क्योंकि हाल ही में रेलवे द्वारा गति को बाधित करने वाली संरचनाओं को सुधारा गया है। पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक आलोक कंसल द्वारा लक्षित तरीके से परिचालन बाधाओं को दूर करने पर बल दिया जा रहा है। कंसल आधारभूत संचालन के अपग्रेडेशन की परियोजना की मॉनिटरिंग करने के साथ ही मंडलों को इस प्रकार के काम को तेजी से पूरा करने पर जोर दे रहे हैं। ठाकुर ने बताया कि माही में 3 स्टेबलिंग लाइनों के निर्माण से 3-12 डब्बा ईएमयू रेक को स्टेबल किया जा सकता है। स्टेबलिंग लाइन का मतलब है लोकल ट्रेनों को पार करने की जगह। यह बांद्रा की ओर जाने वाली ईएमयू सेवाओं को स्टेबलिंग लाइन से निकालने और स्टेबलिंग लाइन में वापस लाने में सहायक होगा। स्थायी गीत प्रतिबंधों में छूट से माहिम के दक्षिण दिशा में डाउन हार्बर लाइन पर ट्रेनों की गति 35 किमी प्रति घंटे से बढ़ाकर 50 किमी प्रति घंटा हो गया है, जबकि माहिम के उत्तरी यार्ड में आप हार्बर लाइन पर गति 20 किमी प्रति घंटे से बढ़ाकर 35 किमी प्रति घंटा हो गई है। इससे ट्रेनों की समय पालनता प्रति ट्रेन 2 मिनट तक बढ़ गई है। पश्चिम रेलवे ने कांदिवली स्टेशन पर लीफ गेट नंबर 21 की इंटरलॉकिंग ट्रेनों की सुरक्षित और सुचार आवाजाही को सुनिश्चित करने की दिशा में एक और कदम बढ़ाया है। इसे कांदिवली कार शेड में व्हीकल मूवमेंट के लिए सुनिश्चित गलियारा मिलेगा। साथ ही एसटीए लाइन पर ट्रेन परिचालन को सुनिश्चित बनाएगा। न्यूज डेस्क मेट्रो मुंबई।